तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अगर आपको नया पासपोर्ट बनाना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हो और आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग गांव में भी अगर अक्सर ऐसे बोलते रहते भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि भाई ये सारे चीज़ें होगा। और अगर आप सिटी से भी बिलोंग करते हो तो वहाँ पर भी बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारे माइंड में आपके डाउट आ जाता है, ये आपके नहीं आता है। एक्चुअली जो आपके आसपास में लोग रहते हैं वो आपको ऐसा कहते हैं, इसकी वजह से आपके माइंड में डाउट आ जाता है कि भाई पासपोर्ट बनवाने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट मैं कैसे बनवाऊंगा, पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो आज मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं और आज मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि पासपोर्ट बनाने के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड एंड टेक्निकल कोई भी सपोर्ट हो तो हमेशा मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो सबसे पहला एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ लिख के रखा है। देखो बहुत सारे एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट रहते हैं तो जो मुझे पूरा नाम तो याद नहीं रहेगा, बट मैं आज आपको बहुत सारे नाम बताने वाला हूँ। अगर इन सारे में से कोई एक भी कॉपी आपके पास, कोई एक भी डॉक्यूमेंट होगा तो भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप उसे जमा कर सकते हो। तो एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट का नाम आप एक बार सुन लीजिए। पहला है वाटर बिल। जो वाटर का बिल आता है तो ये अक्सर सिटी में अगर आप बिलोंग करते हो सिटी से तो वहाँ पर होता है वाटर बिल। गांव से अगर आप बिलोंग करते हो तो भाई वहाँ पर तो कोई पानी का पैसे नहीं देता है। और सेकेंड नंबर आता है टेलीफोन पोस्ट पैड बिल। तो टेलीफोन जिसके यहाँ होगा उसका भी बिल जो आता है उसको भी आप एज एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप जमा कर सकते हो। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो नॉर्मल है, सबको पता रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा करके आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर उसे जमा कर सकते हो। उसके बाद गैस कनेक्शन का, गैस कनेक्शन के बाद ये आपका आता है सर्टिफिकेट आप इम्प्लॉयर, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ से कोई सर्टिफिकेट आपका मिला तो उसे एज एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप उसे भी लगा सकते हो। एंड या फिर आप अपने एड्रेस प्रूफ के जगह अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट लगा सकते हो। अगर ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट लगा सकते हो अगर उनके पास पासपोर्ट है तो। और पेरेंट्स का पासपोर्ट कॉपी फॉर माइनर, अगर छोटे बच्चे हो, अगर आपकी एज 18 से कम है तो भी आप अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट लगा सकते हो। और या तो आप, जैसे कि कई सारे लोग मुझसे कमेंट में करते हैं कि सर मैं तो भाड़े पे रहता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो भाई अगर आप भाड़े पर रहते हो तो आप एग्रीमेंट पेपर, रेंट एग्रीमेंट पेपर जो होता है वो भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हो। अगर आपका घर वहाँ पर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 4-5 साल से भी वहाँ रह रहे हो तो आप जिसकी भी रूम में भाड़े पर रह रहे हो, रेंट दे के रह रहे हो, तो रेंट एग्रीमेंट पेपर बनता है, तो एग्रीमेंट पेपर आपके पास होना चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट का आप बना के उसको भी एज अ एड्रेस प्रूफ जमा कर सकते हो। और या फिर आप अपने पासबुक भी जमा कर सकते हो। आधार कार्ड को भी अब आपको एज अ एड्रेस प्रूफ में जमा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड पर पीछे के साइड आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है, आपका आप कहाँ से हो, आपका पिन कोड, एवरीथिंग, सब कुछ पूरा डिटेल में लिखा होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप एज अ एड्रेस प्रूफ आप उन्हें दे सकते हैं। अब सेकेंड में हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में आप कौन सा प्रूफ लगाएंगे। देखिए अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एड्रेस प्रूफ एक डॉक्यूमेंट चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आप जो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं, आप उसे भी एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में लगा सकते हो। या फिर आप आधार कार्ड में भी आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, एकदम एग्जैक्ट लिखा होता है कि आप कितने साल के, मतलब कौन से महीने, एवरीथिंग आपका डीओ भी लिखा होता है। या फिर आप अपना वोटर आईडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि वोटर आईडी पर भी आजकल सबको डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आ रहा है। या फिर पैन कार्ड नहीं लगाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए लगा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ एज अ डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो। तो दो डॉक्यूमेंट आपके मेन हो गए, पहला एड्रेस प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट लगा लीजिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप कोई एक डॉक्यूमेंट लगा लीजिए। या फिर आप चाहे तो हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं एज अ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज होता है, जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हो वहाँ के थ्रू ऑथराइज होता है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या लगता है भाई, इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आपको कोई ना कोई लगाना होगा। जैसे कि अगर आप इंडिया से बाहर अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं काम करने के पर्पज से, मतलब घूमने जाना अगर वहाँ चाहते हो आप, तो एक डॉक्यूमेंट कोई और आप लगा दो। जैसे कि अगर आप काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हो तो आप हाई स्कूल का मार्कशीट लगा दो, ताकि आपका पासपोर्ट किसी कैटेगरी का बने, ताकि आप किसी भी कंट्री में जाकर वापस काम कर सकें।
और अगर आप हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं लगाते हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर आपको एक और डॉक्यूमेंट कोई एक्स्ट्रा एक लगा देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट बनेगा, आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है। दसवीं से अगर आपने नीचे पढ़ा है, दसवीं तक भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आप कोई डॉक्यूमेंट स्कूल का नहीं लगा सकते हैं। और अगर दसवीं से ज़्यादा पढ़ा है तो दसवीं का मार्कशीट लगा सकते हैं। और अगर आप मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपका पासपोर्ट तो बन जाएगा ECR कैटेगरी में, मतलब कि जहाँ पर आप अगर विदेश में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर काम के सिलसिले में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, बट फॉर ट्रैवलिंग पर्पज आप घूमने जाना चाहते हैं या फिर किसी मेडिकल चेकअप में के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इन सारे कामों के लिए जाते हैं, तो आपका पासपोर्ट उस टाइम पर वैलिड रहेगा। बिना आपका मार्कशीट, बिना ये सब लगाए आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज कर लेना। पहला एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर लेना, सेकेंड डेट ऑफ बर्थ में कोई डॉक्यूमेंट यूज कर लेना, जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया, और थर्ड एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कोई लगा देना, उन जो डॉक्यूमेंट में मैंने दोनों बताया उनमें से कोई एक आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो ये तो भाई अब आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने दे दिया कि भाई आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि फ्रेश पासपोर्ट या फिर नया पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा पासपोर्ट बनवाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टा ID का नाम है @abhishek_khan। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।